सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर ड्यूटी पर शराब पीते पकड़े गए बस ड्राइवर, 17 बस ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर ड्यूटी पर शराब पीते पकड़े गए थे, ये 17 ड्राइवर थे जो शराब पीते हुए जाम छलकाते हुए दिखाई दिए थे। अब इन 17 बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हुई है और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से ये ड्राइवर पकड़े गए थे, जाम छलकाई थी तो जब टेस्ट किया गया तो उसमें पॉजिटिव पाए गए सैंपल्स, और यूपी एसआरटीसी ने इन दोषियों पर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें, 17 बस ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये वो ड्राइवर है जो ड्यूटी के वक्त, एक ड्राइवर की ड्यूटी ये बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है, क्योंकि जब आप एक बस को चला रहे होते हैं तो उसमें बाकी पैसेंजर्स की जिंदगी भी आपकी उस स्टीयरिंग में होती है, आपके हाथों में होती है। लेकिन यहाँ ड्यूटी के दरमियान शराब पी गई थी, जब टेस्ट किया गया तो सभी ये 17 ड्राइवर्स नशे में पाए गए और ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में ये सभी पकड़े गए थे। और ये आगरा में जो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था, बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और उसके बाद से ये निर्णय लिया गया था कि इस तरह के टेस्ट किए जाएंगे, इस तरह की जांच वक्त वक्त पर होती रहेगी। और इसी तरह की जब जांच हुई तो उसमें ये 17 ड्राइवर, 17 ड्राइवर नशे में पाए गए।